दोस्त, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले रोहित शर्मा का घर में छाया मौत की मातम। एक तरफ जीत की खुशी और एक तरफ छा गया है दुखों में रोहित शर्मा का घर में। क्या है कुछ खबर की जानकारी बताएंगे पूरा खबर आपको इसी वीडियो में। उससे पहले आप भी चाहते हो इस बार एशिया वर्ल्ड कप में टीम इंडिया चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप बंदों की जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर जो 5 अक्टूबर से भारत में वर्ल्ड कप की जो यहाँ पर आगाज होने वाला है, जहाँ पर सभी टीम अभी भारत आ चुका है और भारत में जो अभी वार्म अप मुकाबला खेला जा रहा है, जहाँ पर आज की डेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एक वार्म अप मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, वार्म अप मुकाबला शुरू होने से पहले ही रोहित शर्मा का घर में छाया एक मौत की मातम। ये दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस खबर को सुनने के बाद रोहित शर्मा तुरंत अपना घर के लिए निकल गया है। हो सकता है आज का मुकाबला में आपको यहाँ पर रोहित शर्मा ऐसे कप्तान नहीं देखने को मिलेगा। इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में यहाँ पर ऐसे केएल राहुल आपको कप्तान देख सकते हैं, क्योंकि जो रोहित शर्मा की पत्नी है दीप्सा शेट्टी, जो दीप्सा शर्मा, उनका बहुत ही बुरा तरीके से तबीयत खराब है। सुनने को आ रहा है उनका बहुत ही बुरा तबीयत खराब है, अभी हॉस्पिटल में है भर्ती। उनका अच्छे से ट्रीटमेंट चला लेकिन उनका तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको सुन के रोहित शर्मा अपना पत्नी के लिए, पत्नी का इतना खराब तबीयत के लिए तुरंत निकल चुका है। दोस्तों, आप बंधु की क्या राय है, क्या ऐसा घटना चाहिए था रोहित शर्मा का घर में या नहीं, कमेंट में अपना कीमती राय जरूर बताएं। दोस्तों, आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। आप लोग जरूर दुआ करें जितना जल्दी हो सके रोहित शर्मा का पत्नी ठीक होकर घर को लौट आए और रोहित शर्मा भी वर्ल्ड कप में कप्तानी करे। दोस्तों, आगे भी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को जरूर शेयर।